हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम फ्रॉम हिमांशु दत्ता। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ GTA San Andreas को कैसे आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर आप प्ले स्टोर में GTA San Andreas को डाउनलोड करने जाते हैं तो जो रॉकस्टार गेम्स वाला ओरिजिनल वर्जन है जो कि एक डेवलपर सिंबल के साथ आता है, ये आपको करीबन करीबन 220 रुपीज़ का आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। सिर्फ पे करने से कुछ नहीं होगा, आपको उसके बाद भी डाउनलोड करना पड़ेगा 1.70 GB का एक एडिशनल फाइल्स। सो यानी कि आपको यहाँ पर 220 रुपीज़ तो पे करना पड़ता ही है, और फिर पे के बाद आपका डेटा पैक यानी कि आपका ब्रॉडबैंड हो या जो भी हो उसको खर्च करके आपको यहाँ पर 1.78 GB का एक एडिशनल फाइल आपको डाउनलोड करना पड़ता है। यानी कि पे भी करना पड़ता है, डेटा पैक भी आपको यहाँ पर रिचार्ज करना पड़ता है, यानी कि डेटा पैक का जो एडिशनल प्राइस है वो भी यहाँ पर खर्च हो जाता है। तो मैं आज आप लोग को यही बताऊँगा कि कैसे कम खर्च में आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले अपने मोबाइल पे जो ऑफिशियल ब्राउज़र है उसको टैप कीजिए, अगर क्रोम हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं यूसी जैसे ब्राउज़र्स को ना ही बोलूँगा। तो उसमें google.com को ओपन कीजिए। सो google.com ओपन होने के बाद इस सर्च टूल पे टैप कीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए GTA San Andreas, सॉरी San Andreas mobmob.org। सो फिर आप सर्च पे लगा दीजिए। सो थोड़ा सा पेशेंट रखिए ये जब तक सर्च होता है, और फिर जब ये वाला पेज खुल जाए तो आप यहाँ पर play.mob.org वाला जो यहाँ पर पेज है यानी कि यह जो ऑप्शन है उस पर टैप कीजिए। ये कुछ टाइम लेगा कुछ समय, और फिर जब आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट आप देखते हैं तो फिर नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाते हैं GTA ग्रैंड थेफ्ट ऑटो San Andreas, और कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि ये गेम कैसा है, इसकी ग्राफिक्स क्वालिटी कैसी है। तो मुझे तो लगता है ये गेम काफ़ी अच्छी गेम है, और मुझे वाइस सिटी भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसके बाद वाइस सिटी को फ्रीली डाउनलोड करना आप लोगों को दिखा दूँ। सो जब आप नीचे की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पर एक ट्रॉल होता है डू यू लाइक दिस गेम। सो अगर आपको ये गेम पसंद आता है तो आप लाइक पे दबा दीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिए। सो वोट्स तो काफ़ी सारे आ गए हैं। सो हम यहाँ पर जो डाउनलोड का टॉगल है उसको टैप करेंगे। सो डाउनलोड का टैप करते ही आपको यहाँ पर मिलता है। सो यहाँ पर लिखा आता है यहाँ पर जो मॉड एप्लीकेशन है उसको पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। सो आप एंड्रॉयड 3.0 एंड हायर वर्जन है जो 1.08, आप मॉड वाला वर्जन ना ले तो बेहतर होगा, और इसको लेके भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो यहाँ पर लिखा है गूगल प्ले पेड, लेकिन आपको यहाँ पर एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। हाँ, यहाँ पर एडिशनल फाइल थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन बिना पैसे के फ्रीली डाउनलोड करना काफ़ी बड़ी बात होती है। तो आप इस एप्लीकेशन को यहाँ पर डाउनलोड पर टैप करिए और देख सकते हैं कि इसको दिखाता है डू यू सिलेक्ट। सो मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ, मुझे नहीं डाउनलोड करना फ़िलहाल, क्योंकि मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है पहले से। फिर गेम चेस को आइए, अब डाउनलोड पर टैप कीजिए। यहाँ पर ये फिर से थोड़ा सा टाइम लेगा, और यहाँ पर स्टार्टिंग डाउनलोडिंग दिखा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्ट हो गया है डाउनलोडिंग। तो मेरे पास स्पेस कम है, इनसफिशिएंट स्पेस दिखा रहा है, सो मैं तो फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। सो ऐसे आप GTA San Andreas को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप उस फाइल को एक्सट्रैक्ट कीजिए अपने अपने फ़ोन स्टोरेज पे जाके। वहाँ पर जो एंड्रॉयड का फाइल है मैं दिखा देता हूँ, उस फाइल को एक्सट्रैक्ट कीजिए और एक्सट्रैक्ट करके अपने फाइल मैनेजर पे जाइए, या अगर आप ES Pro ले तो बेहतर, फिर इंटरनल स्टोरेज पे जो यहाँ पर आके OBB पे एक्सट्रैक्ट कर दे। और मेरे पास तो फिलहाल है, देख सकते हैं, नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड। सो आप ऐसा कर दीजिए और आपको आपका गेम ऑन हो जाएगा। फिर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कीजिए।
अपने अननोन सोर्स को ऑन करके और फिर बिना इंटरनेट कनेक्शन के इसको ऑन कीजिए, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन अगर ऑन होगा तो आपका जो यहाँ पर एक्सट्रैक्टेशन फाइल है ये अगर थोड़ा सा भी बिगड़ गया तो आपका फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा इस फाइल को, नहीं चलेगा। इंटरनेट मत ऑन रखिए जब इस फाइल को आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हिमांशु दत्ता को।